सो हे गाइस, जनता भाई के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का HDR वाली वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो गाइस यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, काफी सारे लोग जो है अभी तक HDR वाली वीडियो एडिटिंग करना नहीं जानता है, क्योंकि वो लोग जो है एडिटिंग के ऊपर टाइम ही नहीं देता है, जिसके वजह से वो लोग अभी तक HDR वाले वीडियो एडिटिंग करना नहीं जानता है। तो गाइस यार, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग भी इस तरह की HDR वाली वीडियो एडिटिंग सीखना चाहती हो तो आप लोग प्लीज कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखो। एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, इस बार एकदम पक्का आप लोग HDR वाली वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे। तो गाइस यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है जयंता राय और आप लोग देख रही हो जयंता भाई की यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोग जिस एप्लीकेशन के मदद से HDR वाली वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों इलाइट मोशन, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले मैं और एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं दिखाया था पिक्सार्ट एप्लीकेशन के मदद से हम लोग कैसे HDR वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और इस बार मैं दिखाऊंगा कि इलाइट मोशन के अंदर हम लोग कैसे HDR वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, बिना देर के हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इधर से मैं अपना इलाइट मोशन को ऑन कर लूंगा दोस्तों। तो देख सकते हो गाइस, हमारा जो इलाइट मोशन एप्लीकेशन है इधर से ऑन हो चुका है। और आप लोग नीचे देख सकते हो गाइस, इधर प्लस आइकन का कुछ बना हुआ है, तो इधर से आप लोगों को टैप करना होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग इधर से कोई सा भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप लोग अगर चाहो तो यूट्यूब के लिए भी वीडियोज बना सकते हो। इसके लिए आप लोगों को 16:9 इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की वीडियो एडिट करना चाहती हो तो आप लोगों को 9:16 इसे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम की कोई सा भी रील्स एडिट करके दिखाऊंगा, इसके लिए मैं अभी 9:16 इसे ही सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद आप लोगों को इधर से क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद आप लोगों को इधर से प्लस आइकन पर टैप करना होगा, नीचे आप लोग देख सकते हो। इधर से आप लोगों को मीडिया पे चले जाना होगा और आप लोगों को इधर से कोई सा भी एक वीडियो ले लेना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये वाली वीडियो हम लोग इधर से ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है इधर स्क्रीन में आ चुका है। और आप लोग देख सकते हो गाइस, इधर इलाइट मोशन का वाटरमार्क शो हो रहा है, क्योंकि गाइस ये जो एप्लीकेशन है ये है मेरा प्रो वर्सन और आप लोग इसे अनलॉक वर्सन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका जो इलाइट मोशन का वाटरमार्क है वो शो नहीं करेगा। और अनलॉक वाला इलाइट मोशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, हमारा जो वीडियो है वो एकदम नॉर्मल वीडियो है, कोई भी HDR या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो के ऊपर HDR वाले इफेक्ट लगाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग प्लीज यार ध्यान से देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं इधर से बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद गाइस, आप लोग नीचे देख सकते हो इधर प्लस आइकन का कुछ बना हुआ है, तो आप लोगों को इधर से टैप करना होगा। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों इधर से आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे शेप खुल चुका है, तो आप लोगों को ये वाला शेप ले लेना है। शेप ले लेने के बाद गाइस, आप लोगों को इधर से ये जो शेप आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, इसको आप लोगों को एकदम फुल कर देना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करने के बाद गाइस, आप लोग इधर से देख सकते हो कलर फिल नाम का जो ऑप्शन है, तो इधर से आप लोगों को टैप करना होगा। टैप करने के बाद गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर बहुत सारे कलर बना हुआ है, तो आप लोगों को इधर से ग्रीन वाला ही सिलेक्ट करना होगा। तो इधर से मैं फटक से ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ग्रीन वाला सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आप लोगों को एकदम बैक चले जाना होगा, ठीक है। तो मैं इधर से बैक चले जाऊंगा। बैक जाने के बाद गाइस, आप लोगों को इधर से ब्लेंडिंग ओपेसिटी नाम का जो ऑप्शन है इधर से आप लोग देख सकते हो, तो इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना होगा। इसके ऊपर टैप करने के बाद गाइस, आप लोग नीचे चले जाना, इधर से आप लोगों को मिलेगा डिफरेंस, तो डिफरेंस के ऊपर आप लोगों को टैप करना होगा। उसके बाद आप लोगों को इधर से सबट्रैक्ट नाम का जो ऑप्शन है दोस्तों, इधर से आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आप लोगों को फिर से बैक चले जाना होगा। तो बैक जाने के बाद गाइस, आप लोगों को क्या करना होगा, इधर से इफेक्ट नाम का जो ऑप्शन बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप लोगों को फिर से टैप करना होगा। उसके बाद आप लोगों को इधर से ऐड इफेक्ट पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। और इधर से आप लोग देख सकते हो सर्च बटन दिया हुआ है, तो आप लोगों को इधर से सर्च करना होगा कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। तो इधर से मैं सर्च कर लेता हूँ कॉपी बैकग्राउंड। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, हमारा कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट जो है वो सबसे ऊपर आ चुका है, तो आप लोगों को इधर से टैप करना होगा। उसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है एकदम पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से बैक चले जाना होगा। बैक जाने के बाद आप लोगों को फिर से इफेक्ट पर टैप करना होगा, ठीक है। तो इधर से मैं इफेक्ट पर टैप करूंगा। उसके बाद आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर फिर से टैप करना होगा। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को फिर से इधर से सर्च करना होगा गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो इधर से मैं सर्च कर लूंगा गॉसियन ब्लर। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो गॉसियन ब्लर इफेक्ट है इधर से आ चुका है। तो आप लोगों को फिर से गॉसियन ब्लर पर टैप करना होगा। तो इधर से मैं टैप कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग में फिर से टैप करना होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, हमारा जो वीडियो है
वो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को फिर से बैक चले जाना होगा और आप लोगों को फिर से और एक इफेक्ट इधर से ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो इधर से मैं बैक चले जाता हूँ, बैक जाने के बाद फिर से मैं इफेक्ट पर जाता हूँ, उसके बाद हम लोग ऐड इफेक्ट पर फिर से टैप करेंगे और इधर से सर्च करेंगे हम लोग एक्सपोजर गामा, ठीक है। तो इधर से मैं सर्च कर लेता हूँ एक्सपोजर गामा, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो एक्सपोजर गामा इफेक्ट है वो सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक्सपोजर गामा इफेक्ट पर टैप करना होगा, तो इधर से मैं टैप करूंगा और उसके बाद आप लोगों को इधर से स्टैंडर्ड सेटिंग में टैप करना होगा, तो इधर से मैं फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग में टैप करूंगा, तो हमारा जो एक्सपोजर गामा इफेक्ट है इधर से आ चुका है। तो अभी आप लोगों को इधर से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। जितना अच्छा एडजस्ट करोगे उतना अच्छा ही आप लोगों का जो वीडियो है वो HDR में बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इधर एक्सपोजर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे देख सकते हो गामा नाम का जो ऑप्शन है, तो आप लोगों को इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देना होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग नीचे और एक ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, इसको आप लोगों को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो वीडियो है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी मैं फिर से इधर से बैक चले जाऊंगा, बैक जाने के बाद हम लोगों को और एक शेप इधर से ऐड कर लेना होगा, तो इधर से मैं एकदम बैक चले जाऊंगा और फिर से हम लोग इधर से प्लस आइकन पर टैप करके हम लोग और एक शेप इधर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला शेप भी आप लोगों को ले लेना है, तो इधर से आप लोग देख सकते हो और एक शेप हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी हम लोग इसको फिर से फुल कर देंगे स्क्रीन पर, तो कुछ इस तरह से करने के बाद गाइज आप लोगों को फिर से कलर फील ऑप्शन पर टैप करना होगा। इधर से टैप करने के बाद गाइज आप लोगों को इधर से व्हाइट वाला कलर ही लेना होगा, तो आप लोग इधर से व्हाइट वाला ही सिलेक्ट करना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को फिर से बैक चले जाना होगा, मैं इधर से बैक चले जाता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस इधर ब्लेंडिंग नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों आप लोग इधर से देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना होगा और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से ओवरले वाला ही इफेक्ट पर टैप करना होगा, ठीक है। तो इधर से मैं ओवरले वाला इफेक्ट पर टैप कर लेता हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा जो वीडियो है एकदम HDR में बदल चुका है और आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा जो वीडियो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों HDR वाली वीडियो एडिटिंग बनाया जाता है और आप लोग इधर पहले वाली वीडियो देख सकते हो दोस्तों जहाँ पर हम लोगों ने कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया था, तो पहले का वीडियो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और इफेक्ट लगाने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो इस प्रकार से बना है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग ये जो इफेक्ट है हम लोग एकदम पूरा वीडियो में रखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को बस इफेक्ट पर टैप करना है और एकदम लास्ट में चले जाना है और उसके बाद आप लोगों को ये वाला ऑप्शन को टैप करना है इधर से, तो हमारा जो इफेक्ट है एकदम पूरा वीडियो में लग जाएगा। और सेम टू सेम हम लोग ओवर इफेक्ट को भी कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, तो हम लोग ये वाले इफेक्ट को भी इधर से टैप कर लेंगे और उसके बाद एकदम लास्ट में चले जाएंगे और फिर हम लोग ये वाले ऑप्शन को टैप करेंगे, तो देखना दोस्तों हमारा जो इफेक्ट है एकदम पूरा वीडियो में लग जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा वीडियो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और एकदम फुल HD में बदल चुका है। तो दोस्तों इतना अच्छे से दिखाने के बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई सा भी डाउट हो तो फिर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं कॉमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।